और इन हमलों पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सेना जो जरूरी कार्रवाई है उसको मुस्तैदी से कर रही है। सामा हमले पर राजनाथ सिंह का बयान आया है, उनका कहना है कि सेना मुस्तैद है, सेना जरूरी कार्रवाई लगातार कर रही है। उनसे जब इन हमलों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जरूरी कार्रवाई की जा रही है सेना की तरफ से। उप मुख्यमंत्री से भी बातचीत उनकी हुई है, ऐसा कहना है गृहमंत्री राजनाथ सिंह का। सामा हमले पर राजनाथ सिंह का यह बयान सामने आया है। नहीं, हमारी बातचीत हुई है जम्मू कश्मीर के संबंधित अधिकारियों से, वहां डिप्टी सीएम का भी टेलीफोन आया था, इंटेलिजेंस से भी जानकारी मिली है और वहां जो भी आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है वो की जा रही है। और जम्मू के उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा कि हमले के बाद से इलाके में हाई अलर्ट जारी है, एहतियात के तौर पर हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। देखिए, ऐसा है कि सुबह 5:45 से 5:50 में सांबा एक महेश्वर वहां कैंटोनमेंट है, वहां से कुछ यात्री माता वैष्णो देवी साइकिल पर जा रहे थे तो एक फायर आया है। अभी आर्मी एरिया है, उसको कार्डन कर लिया गया है, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, हाईवे बंद है और सारा जगह सिक्योरिटी अलर्ट है, सभी लोग जो हैं बिल्कुल अलर्ट हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 3 कैमरों की मदद से, अलग अलग जगह पे इसी तरह का हमला कल भी हुआ था कठुआ में और आज उसी समय उसी तरीके से हमला किया गया। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, सुबह 5:45 के आसपास ये हमला शुरू हुआ और इसी तरह से कल भी हमला हुआ था और एक ही पैटर्न में ये हमला नजर आ रहा है। कुछ आतंकियों का गुट जो है आर्मी की छावनी पर, आर्मी के सेंटर पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम सांबा एरिया की बिल्कुल फॉरवर्ड एरिया में है और इसी दीवार के ठीक दूसरी तरफ आपको बता दूं कि फायरिंग हो रही है। अगर आप, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा आगे का आपको इलाका बता सके, ये पूरा आर्मी कैंप के 81 आर्म्ड का जो है ये इलाका है, आपको बताऊं इसी के ठीक बाहर ये मुठभेड़ चल रही है। जानकारी ये भी मिली है कि आतंकी जो है 2 से 3 हो सकते हैं, पहले ये भी खबर आई है कि शायद 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है, 2 सेना के जो है जवानों को जख्मी भी हुए हैं, एक सिविलियन जख्मी हुआ है। सुबह आप समझ सकते हैं ये पूरा फायरिंग रेंज का इलाका है, यहाँ पर जो है एक गोली लगी है। यहाँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ये घर है, यहाँ पर आपको बताऊं इस तरफ से गोली आई है और यहाँ पर आकर इस गोली का जो है निशान जो है सामने आप देख सकते हैं। सुबह सुबह जब ये फायरिंग हुई थी तो यहाँ पर जो है बुलेट आके दीवार पे लगी है, इसके बिल्कुल सामने आर्मी कैंटोनमेंट का एरिया है। यहाँ पर आप देखेंगे एक परिवार है जो यहाँ पे है, जो इसको यहाँ पे था। आप मुझे बताएंगे कि आप यहाँ पे थे, कब ये हुआ, कैसे फायर? 6:15 के बीच में हुआ। अच्छा, क्या हुआ? तो मैं मुंह हाथ धो रहा था तो उसी टाइम पे आवाज आई, मैंने देखा तो दीवार पे गोली लगी, फिर देखा गोली कहाँ पे, देखा तो बाहर पड़ी हुई गोली। अब उसके बाद आपको भी डर लग रहा होगा? तो लगता है सर। गोली कहाँ जी? ये आप देख सकते हैं ये बुलेट है जो आज सुबह इनके घर के दीवार पे लगी है, ये परिवार अंदर दुबका हुआ है, देखेंगे पीछे परिवार के बाकी सदस्य हैं। यहाँ से अब निकलने के लिए आप सोच रहे हैं निकल पाए कि अभी यहीं रुकेंगे? अभी यहीं भी रुकेंगे, अंदर ही रुकेंगे। अंदर ही बोला गया आपको सेना? जी हाँ। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला अंदर ही रहो आप। तो आप देख सकते हैं ये स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, इनको साफ तौर पे कहा गया है कि आप घर से बाहर जो है वो ना निकलें क्योंकि अगर फायरिंग होती है तो अगर कहीं इनको नुकसान हो सकता है गोलीबारी में। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज सांबा। और इधर वैष्णो देवी की जो यात्रा है उस पर भी आतंकी हमला हो सकता है, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। हमले पर आईजी दिनेश राणा ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देयर इज सम सस्पिशियस मूवमेंट, वी हैव जीरोड इन इनटू अ पर्टिकुलर एरिया, वी हैव कॉर्डन द एरिया, फ्यू शॉट्स हैव बीन फायर्ड, दैट इज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन, सो लेट अस बी पेशेंट। इफ देयर आर मिलिटेंट्स वी आर वेल इक्विप्ड टू डील विद देम,
वी हैव कॉर्डन द एरिया, आर्मी इज ऑन द जॉब, वी आर ऑन द जॉब, सो लेट अस बी पेशेंट। और इससे पहले कल की अगर बात करें तो कल कठुआ में भी आतंकी हमला हुआ था। हमले में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। हमले में लेकिन 3 जवान भी शहीद हो गए थे, जबकि 3 नागरिकों की भी मौत हो गई थी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज इसी तरह का हमला सांबा में किया गया है और कल कठुआ में इसी तरह का हमला किया गया था। समय भी लगभग वही था।